हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अपडेट जो बताने जा रहा हूँ वो रांची रिम्स के तरफ से भर्ती का अपडेट निकाला गया है। जी हाँ, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची की तरफ से भर्ती का अपडेट निकाला गया है, जिसमें लगभग 15 सीटों पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया और इसमें इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। जी हाँ, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कौन सा पोस्ट पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेहनत बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, क्या कुछ खबर निकल कर आया है रिम्स रांची की तरफ से, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने खुल चुका है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। जी हाँ, यहां पर जो है भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। देख सकते हैं यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, मतलब बोल रहा है कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, आखिरकार क्या रिक्वायरमेंट निकल कर आया। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट टू कैटेगरी विद रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी। तो देखिये, यहाँ पर दो कैटेगरी पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया। पहला जो है रेगुलर वैकेंसी है, मतलब नया वैकेंसी है, और दूसरा बैकलॉग है, मतलब पुराना वैकेंसी जो कि पहले रद्द हो चुका होगा तो उसको दोबारा से निकाला गया। वैकेंसी ऑफ ट्यूटर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। अब देखिए, इसको समझिएगा, यहां पर देखिए पोस्ट की बात कर ले तो ट्यूटर का भर्ती का अपडेट निकल कर आया। यहाँ जी हाँ, पोस्ट यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ट्यूटर्स का भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। और डेंटल इंस्टीट्यूट मतलब दंत चिकित्सक, जो दांत का जो डॉक्टर होते हैं, दांतों का डॉक्टर होते हैं, उस डिपार्टमेंट में ये भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। और रिम्स रांची के द्वारा यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया गया है, इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पोस्ट ट्यूनर पोस्ट इन 3 ईयर ओनली। तो बोल रहा है यहाँ पर 3 साल के लिए यहाँ पर जो है भर्ती लिया जा रहा है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो 3 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा। अगर उसके अलावा 3 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी अगर काम वगैरह नहीं रहता है, वर्करों की जरूरत नहीं रहती, तो आपको हटा भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से भर्ती का अपडेट निकल कर आया, अगर आगे भी और काम रहेगा तो आपको रखा जाएगा। तो चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आप यहाँ पर जाएंगे। तो देखिये, सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट नाम बता देता हूँ। देखिये, यहाँ पर डिपार्टमेंट है जो 1, 2, 3, 4, इस तरह से देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम यहां पर जो है आपको निकल कर आता है। मैं आपको एक डिपार्टमेंट बता देता हूं, देखिए पेरिनेटोलॉजी एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी। तो ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है, जिसमें पोस्ट का नाम देखिए ट्यूटर का भर्ती का अपडेट निकल कर आया। टोटल पोस्ट यहां पर 3 है और देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यूआर एसटी बीसी 1। तो इस तरह से देख सकते हैं सीट बनाया गया है और डेट ऑफ इंटरव्यू आप देख सकते हैं 5/9/2019, 5 सितंबर 2019 को जो है ये जो है आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो 5 तारीख को लिया जाएगा, 5 सितंबर को आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है 1, 2, यहाँ पर देख सकते हैं 2 डिपार्टमेंट में रेगुलर वैकेंसी निकल कर आया है। और उसके अलावा देखिए ये बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, बैकलॉग वैकेंसी में भी देख सकते हैं 1 से लेकर जो है 8 है, 8 तरफ से यहाँ पर देखते हैं डिपार्टमेंट बनाया गया है। और ये सभी में देख सकते हैं ट्यूटर का भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। और यहां पर सभी का जो इंटरव्यू का डेट बताया गया है वो 5/9/2019 बताया गया। तो ये हो गया टोटल, लगभग आप देख सकते हैं टोटल सीट 15 सीटों पर यह भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। और आप अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आप यहां पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो कब जाना है और टाइमिंग क्या है बता देते हैं। देखिए वेन्यू यहां पर लिखा हुआ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। वेन्यू देखिए यहां पर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर रिम्स रांची, रिपोर्टिंग टाइम वॉकिंग इंटरव्यू 9:30 बजे सुबह में, आप देख सकते हैं 11 बजे तक आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। 9:30 बजे सुबह से लेकर 11 बजे के बीच में जो है यहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो चलिए आपको क्वालिफिकेशन बताते हैं। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MDS, मतलब ये आपका जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगा तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप जाकर जो है यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सारा डॉक्यूमेंट अपना ले जाना है और ये जो क्वालिफिकेशन PG मांगा गया है MDS में, ये अभी आपको लेके जाना है और आपको इस डेट में जाकर जो है वहां पर आपको इंटरव्यू देना है। इसमें एज लिमिट क्या है, देखिए यहां पर 40 साल बताया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है और 45 साल जो है STSC के लिए बना दिया गया है। BC1 BC2 में जो आते हैं वो लोग 42 साल तक के लोग आवेदन को कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो है भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। और देखिए यहां पर मंथली पेमेंट जो आपको दिया जाएगा, देख सकते 9300 से स्टार्टिंग रहेगा, 34800 तक जाएगा और ग्रेड पे यहां पर
पर 5400 बताया गया। तो इस तरह से जो है आपको प्रति महीना जो है आपको सैलरी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको इंटरव्यू में जाना है और अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको ले लेना है। यहां पर देखिए सब कुछ यहां बोला गया है, एप्लीकेशन ड्यूली फिल, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, साइन बाय कैंडिडेट और रिलेटिव अटेस्टेड कॉपीज ऑफ, सबमिट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब आपको इंटरव्यू में जाना है 9:30 बजे, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिल करना है और अपना सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहीं पर सबमिट करना है और 11 बजे से जो है आपका इंटरव्यू शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां पर बोल रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट ले जाएंगे सारा का जेरोक्स करा लेंगे और सभी में आपको सिग्नेचर कर देना है, मार्कशीट वगैरह सारा कुछ, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी का आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, BDS MDS का भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है और वहां पर जो है आपको इस भर्ती में शामिल हो जाना है, इंटरव्यू में शामिल हो जाना है। तो कौन कौन लोग पास ये सर्टिफिकेट है नीचे कमेंट करके बताएं और आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, अपना नाम जिला का नाम जरूर से डालें ताकि हमें भी पता चल सके आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं और हम आपके लिए भी इसी तरह का लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा दूसरे लोग को ताकि वो लोग भी जो है जानकारी ले सके और ये जॉब को अप्लाई कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही अपडेट दूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।